अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर फिरतो आज एक नई वीडियो के साथ खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर और आप देख रहे हैं मिस्टर फिरतो। दोस्तों आज 1 जुलाई है, ईद का तीसरा रोज़ है और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस वाया फैसलाबाद खानेवाल वाया जहानिया लोधरा कराची जाने के लिए तैयार है। पीछे GU409026 मौजूद है, अब से कुछ ही देर में रैक आएगा और आपके साथ मुकम्मल जो व्यूज़ होंगे वो शेयर करूंगा। मेरा जो आज जाने का मकसद यही है कि फैसलाबाद वालों का मैं जोश व जज्बा देखना चाहता हूं, क्योंकि बातें तो उन्होंने बहुत बहुत की हैं, तो जो जो होगा वो आप देखेंगे आज के इस व्लॉग में। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिरतो को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि हम फिरते हैं। तो दोस्तों मिलो मेरे फैंस के साथ, जो सेगमेंट है वो जारी रहेगा। कुछ ही देर में रैक आ रहा है, रैक देखते हैं और फिर मेरा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उम्मीद है आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलेंगे। GU40 रेडी और पाकिस्तान के तजर्बा कार पाकिस्तान रेलवे के ड्राइवर गाजी हनीफ साहब आज लीड करेंगे GU40 को खानेवाल तक। ये देखें दोस्तों, अब से कुछ ही देर में रैक आएगा और फैमिलीज रेडी हैं जाने के लिए। रैक दोस्तों आ गया 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का और बहुत रफ्ता रफ्ता रैक लोकोमोटिव की तरफ बढ़ रहा है। और न्यू चाइनीज़ कोच आज लगा दी गई है लगेज वैन में 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में, और पैसेंजर्स की बहुत बड़ी तादाद आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में सवार होने के लिए। और आज तरतीब भी बदल दी गई है गाड़ी की और एसी क्लासेस इस साइड पर आ गए हैं और इकोनॉमी क्लासेस बैक पर चली गई हैं। जी तो दोस्तों कपलिंग का जो अमल है वो स्टार्ट हो चुका है। फैसलाबाद वालों के लिए ज़्यादा खुशी की बात ये है कि न्यू चाइनीज़ कोच एसी पार्लर एक बार फिर से अवेलेबल हो गया है 28 डाउन 27 अप शालीमार एक्सप्रेस में। तो फाइनली दोस्तों 6:15 पर डिपार्चर विसल हो गया लाहौर से 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का। और सेकंड विसल पर गए और सेकंड विसल पर गाड़ी हो जाएगी रवाना लाहौर से। सफ़र जारी है खैर से और बदर आ रही है सफदराबाद। शालीमार एक्सप्रेस को यहाँ पर रोका गया है। लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान चलने वाली बदर 7:30 पर सफदराबाद पहुंच चुकी है और इसी के इंतज़ार के लिए रोका गया 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस को। और ट्रेन आप देख सकते हैं खचाखच भरी हुई है। ये देखें, जी तो दोस्तों 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस 1 जुलाई फैसलाबाद पहुंच चुकी है खैर से। और आई होप कि फैसलाबाद वाले 28 डाउन का अच्छा इस्तकबाल करेंगे।
फैसलाबाद पैसेंजर्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आज पहले ही रोज़ जैसे ही 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पहुंची है और जोशो जज्बा पैसेंजर्स में आप पहले ही रोज़ देख सकते हैं। फाइनली ब्रेक्स लग चुके हैं 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के। तो दोस्तों फैसलाबाद में एक छोटी सी ओपनिंग सेरेमनी का इंतज़ाम किया गया है और गाजी साहब को माशाल्लाह फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। आज की डेट फैसलाबाद के लिए बहुत ही खुशी का दिन हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बड़ी पैसेंजर्स की तादाद मौजूद थी लेकिन यहाँ से अब इकोनॉमी क्लास का सफ़र स्टार्ट होगा और आपको बाहर के जो नज़ारे हैं वो मैं दिखाऊंगा। कैब मेरा यहाँ पर इख्तिताम होता है और ग्रुप फ़ोटो का एहतमाम किया गया है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने में हमें मिले फैसलाबाद और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था फैसलाबाद की तरफ से कि फैसलाबाद वाले आखिरकार कामयाब हो गए इस गाड़ी को हासिल करने में। मिलो मेरे फैंस के साथ हमारा प्यारा सा सेगमेंट और मोइन भट्टी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं लाहौर से और इसके साथ ही फैसल जावेद, मेरा ख्याल इनका ताल्लुक है फैसलाबाद से। तो ये दोनों मेंबर हमारे इस प्यारे से सेगमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में आप कहीं भी मौजूद हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, अपनी प्यारी सी पिक्चर भेज दें मुझे और बन जाए मेरे इस सेगमेंट का हिस्सा। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों फैसलाबाद वालों का आपने जोशो खरोश तो देख लिया है और मैं फैसलाबाद वालों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे इतना प्यार दिया, मोहब्बत दी। बेशक साहिवाल वाले समझे कि मिस्टर फिरतू ने हमारे साथ कोई ज्यादती की है, तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि ये ट्रेन्स मैं नहीं चलाता, इदारे का फैसला होता है और हम चाहते हैं कि ट्रेन्स मुकम्मल भरी हुई पाकिस्तान रेलवे की चलें। इनमें पैसेंजर्स की तादाद ज़्यादा होगी तो फिर ही हमें आने वाले टाइम में बेहतरीन रेल का सफ़र पाकिस्तान में करने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैं कहता था कि फैसलाबाद को गाड़ी दे दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है और आज पहला रोज था माशाल्लाह और मैंने आपको पूरा स्टेशन पैसेंजर्स के साथ खचा खच भरा हुआ दिखाया और जिस तरह अफसरान ने गाड़ी को वेलकम किया मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया। तो कैब राइड मेरी इख्तिताम पर पहुँचती है और अब मैं लोकोमोटिव में से बैग पर आ चुका हूँ और खानेवाल तक मैं आपको इकोनॉमी क्लास से खानेवाल तक मैं आपको रिव्यू और नज़ारे व्यूज़ वगैरह दिखाता रहूँगा और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फैसलाबाद जो जो फैंस मिलने आए मुझे, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सब को खुश रखे, जानो माल में बरकत अता फरमाए और इसी तरह हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से मिलते रहे।
बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड पकड़ चुकी है और लीव कर रही है फैसलाबाद को 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। आपको याद रहे कि एक माह पहले आज ही के दिन तकरीबन मैं पाकिस्तान एक्सप्रेस पर गया था फैसलाबाद से खानेवाल, और वो वीडियो चैनल पर मौजूद है। हो रहा है दोस्तों। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस गोजरा क्रॉस करेगी और गोजरा इसका स्टॉप नहीं है, अलबत्ता टोबर टैक्सिंग वाले वेट कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से शालीमार एक्सप्रेस का। ब्रेक्स तकरीबन कुछ ही सेकंड्स के लिए लगे थे यहाँ पर, और गोजरा से गाड़ी हो चुकी है रवाना और टोबर टैक्सिंग स्टॉप होगा, और फैसलाबाद के बाद मैं देखूँगा कि टोबर टैक्सिंग वालों में कैसा जोशो क्रोश पाया जाता है। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पर, हो सकता है कि आने वाले कुछ ही मिनट्स में हमें यहाँ पर बारिश होती नज़र आए। तो दोस्तों गोजरा से गाड़ी निकल रही है और यहाँ पर जो वेदर है वेरी ऑसम, और एहसास लग रहे हैं कि तेज़ आंधी जैसे आने वाली हो, और टोबर टैक्सिंग पहुंचते हो सकता है कि हमें हैवी रेन शॉवर देखने को मिल जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये देखें। और गाड़ी बहुत ही खूबसूरती से स्पीड पकड़ते हुए हवा में ठंडक सी फील होने लग गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हुआ वही जिस बात का डर था, और तेज़ आंधी आ चुकी है और हम पहुंच रहे हैं टोबा टैक्सिंग। तो इस तरह की सिचुएशन में टोबा टैक्सिंग वाले कैसे आज 28 डाउन का इस्तकबाल करेंगे, तो वो हम पहुंच कर ही देखेंगे। मट्टी के इस तूफान में 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस ने भी तूफ़ानी स्पीड पकड़ी हुई है, और बाहर बहुत ज़्यादा शदीद तूफ़ान है, हवा है, जानी वाला इस टाइम क्रॉस हो रहा है और 105 की लगभग स्पीड है। घने बादल छा चुके हैं, तो दोस्तों जैसे जैसे टोबा टैक्सिंग करीब आ रहा है और मौसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो स्टार्ट है, और बहुत ही ठंडा और सुहाना मौसम हो गया। जितनी गर्मी थी और ठंड सी महसूस होने लग गई है अब हवा में, और बाहर मौसलाधार बारिश हो रही है। टोबा टैक्सिंग गाड़ी पहुंच रही है, और किस तरह से मैं आपको बाहर के मनाजिर और जिस तरह से इस्तकबाल होना था टोबा में वो किस तरह से दिखाऊंगा, तो मुझे लग नहीं रहा कि आपको मैं प्रॉपर स्टेशन के मनाजिर दिखा पाऊंगा। बहुत ही हैवी रेन है यहाँ पर, और देखते ही देखते मौसम ने करवट बदली है। ये देखें दोस्तों, वो वापस दानिश के साथ नहीं नहीं स्टे करूँगा।
टोबर टैक्सिंग वालों ने इस्तकबाल तो नहीं किया अभी तक, लेकिन बारिश ने, एक अच्छे मौसम ने ज़रूर 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का इस्तकबाल कर लिया है। अराइवल टोबा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, ये सामने वाली साइड से जो बारिश की छींटे हैं वो आ रही हैं, और टोबा टैक्सिंग में जो हालात हैं, ज़बरदस्त हैवी रेन शावर यहाँ पर हो रहा है। ये छोटे बच्चे रेन फैन देखने आए हैं जी आप? ये हमने साथ दिया है। अच्छा जी, ओके जी, ओके। जी तो दोस्तों, बहुत तेज़ बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी है, और अब से कुछ ही देर में डिपार्चर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बारिश के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। अल्लाह हाफिज़। और जिस तरह से ये लोग इस्तकबाल करना चाहते थे उस तरह कर नहीं सके बारिश की वजह से, लेकिन यहाँ पर अच्छी तादाद में पैसेंजर्स उतरे भी और गाड़ी में सवार भी हुए। ये देखें, एक हैवी रेन शावर के बाद ठंडी हवा में रिमझिम हो रही है, और टोबा टैक्सिंग से गाड़ी काफ़ी आगे आ चुकी है। तो मौसम आप देखें, बूंदाबांदी हो रही है अभी भी, लेकिन तेज़ जो बारिश का सिलसिला था वो थम चुका है, और मुझे भी मौका मिला है कि खिड़की से मोबाइल ज़रा बाहर निकाल कर आपको मैं इस प्यारे से मौसम के व्यूज़ वगैरह दिखाऊँ, नज़ारे। रफ्तार रफ्तार अंदाज में 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस शॉर्टकट की तरफ बढ़ रही है, और मैंने आज के इस सफ़र को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है। ZCU-30 और मिलत थ्रू पास हो रही है दरखाना से। जी तो दोस्तों, गाड़ी शॉर्टकट की तरफ रवा दवा है, और आज ईद का तीसरा रोज़ है, और मेरे साथ ये पैसेंजर्स अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं लाहौर से रहीम यार खान तक। इन्होंने टिकट्स लिए हैं तकरीबन 7, और आपको कितना डिस्काउंट मिला है? 33%। वैसे टिकट कितने का था और आपको कितने का मिला है? 1350 का इनको फ्री टिकट मिला है, वैसे टिकट था 1900 रुपये का, और 33% डिस्काउंट। आप ईद के आखिरी रोज़ हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। इस दिनों से यही कही जा रहा था कि ओपन टिकट पर डिस्काउंट होता है, बुकिंग पर डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन आप मान नहीं रहे थे। गाड़ी देखें कितनी तेज़ भाग रही है, और आपको मैं 33% डिस्काउंट दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं। तो इस टिकट पर डिस्काउंट होता है जो कि मौके पर ओपन टिकट ली जाती है। तो ये अप्रूव, ये फैमिली मौजूद है, ये भाई सफ़र कर रहे हैं, इनके साथ लेडीज़ भी हैं, ये बच्ची भी है। तो मैंने कहा कि चले मैं इस पार्ट को भी इस वीडियो का हिस्सा बना लेता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको डिस्काउंट मिला, शुक्रिया जी।
एरिया में बारिश नहीं हुई, गाड़ी स्पीड के साथ साथ धूल उड़ा रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खाने वाला आ चुका है। 10:45 राइड टाइम था और इस टाइम 10:42 हो रहे हैं। जैसे ही गाड़ी निकली है टोबा टैक्सिंग से तो 25 मिनट्स डिले पर चल रही थी और गाजी साहब ने माशाल्लाह ऐसी स्पीड खींची है कि टाइम जो है वो कवर हो गया। और इस टाइम आज का ये सफर बहुत जबरदस्त था, कैब में और उसके बाद फैसलाबाद से लेकर खाने वाल तक। ठंडा मौसम, आंधी भी, बारिश भी, घने बादल भी और तूफ़ानी स्पीड भी देखी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की। और मज़ीद आने वाली वीडियोस में अपडेट्स का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। रोज़ाना मिस्टर फिरतू की वीडियो आ रही है और रोज़ाना अपडेट आ रही है। और फैसलाबाद वालों को 28 डाउन 27 अब शालीमार एक्सप्रेस भी मिल गई है। खैर से तो मेरे ख्याल से गाड़ी 4 नंबर पर लग रही है। खाने वाल और प्लेटफॉर्म दूसरी साइड पर आएगा। और बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको कहा है, गाड़ी लग रही है 8 नंबर पर। ट्वेंटी एट डाउन शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हो रही है सेटल। फाइनली दोस्तों, पूरे राइट टाइम 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस
थानेवाल रेलवे जंक्शन पहुंच चुकी है और थानेवाल भी इसका जो स्टॉप है वो अप्रूव हो गया खैर से। और असद भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम करेंगे मुलाकात। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, थानेवाल पूरे राइट टाइम शालीमार एक्सप्रेस 28 डाउन पहुँच चुकी है और आज का ये जो हमारा सफ़र था बहुत ही ज़बरदस्त, खसूसी फैसलाबाद वालों का जो हमने जोशो जज्बा देखा, इस्तकबाल देखा, तो बहुत मज़ा आया। और माशाल्लाह उन्होंने तो गाजी साहब को हार भी पहना दिए थे फूलों के, तो बहुत अच्छा सफ़र हुआ। और गाजी साहब ने टोबा टैक्सिंग से जब गाड़ी निकली, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 27 मिनट डिले पर थी और पूरे राइट टाइम पहुँचाया है, धूल उड़ाई है, बस तो मज़ा आ गया। तो दोस्तों फाइनली ये थी आज की वीडियो, मज़ीद अपडेट्स का और वीडियोस का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मिस्टर फिरतू आपसे खानेवा रेलवे जंक्शन से चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।